तो केदारनाथ धाम में भी कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। सेना की बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा केदार की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्दी स्थल यानी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी है, जिसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन, तमाम लोग मौजूद रहे। शिवाय, जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलों भभूति से भगवान का श्रृंगार किया गया। और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी और वहीं आगे की पूजा पद्धति, भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। ओम नमः शिवाय, जय बाबा जी। उधर शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद किए गए और मां यमुना की भोग मूर्ति उत्सव डोली को शनिदेव की अगुवाई हर्षाली गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मौके पर SDM यमुनोत्री मंदिर समिति के सदस्य और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के। इसके साथ साथ प्रशासन की किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं रही और अगले शीतकाल में किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं रहेगी और जो तीर्थ पुरोहित हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ जो मंदिर समिति के सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे। बड़े संक्षिप्त तरीके से आप बता दीजिए कि किस तरीके से जो इस बार की यात्रा रही और आज भैया दूज में जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता यमुनोत्री धाम में रहा, किस तरीके से गदगद हैं आप? जी, जयश्री हमने माँ यमुना जी के इस पावन पर, भैया दूज के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ यमुना जी से सबकी मंगल कामनाएँ। और अभी इस साल कोविड की वजह से फिर भी अस्त व्यस्त रहा। 23 के बाद यहाँ पर यात्रा शुरू की गई, 23 सितंबर के बाद यात्रा। उधर उत्तरकाशी में माँ गंगा मुखबा धाम में विराजित हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे माँ गंगा उत्सव डोली ऊखी मुखी पहुंची जहां श्रद्धालुओं के जयकारे के साथ माँ गंगा का भव्य स्वागत हुआ। अब माँ गंगा मुखबा धाम में शीतकाल के लिए 6 महीने तक यहीं विराजमान रहेंगे। माँ गंगे शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में पहुँच रही है और वहीं पे माँ गंगा जी का अब सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो पाएंगे। माँ पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगे की डोली आज मुखवा मुखी मठ, जो कि गंगा जी का मायका भी कहते हैं, वहाँ पर विराजमान हो गई है। अब जो भी देश विदेश से श्रद्धालु होंगे वो माँ गंगा के दर्शन जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा में सुलभ कर पाएंगे। अनादिकाल से माँ भगवती गंगा अन्नकूट के महापर्व पर चलकर श्री गंगोत्री धाम से इस स्थान पे आती हैं। माँ जगदम्बा का यह स्थान, ये दिव्य स्थान है। कहते हैं देवासुर जो संग्राम हुआ था उसके पश्चात यहाँ पर भगवती माँ दुर्गा के चरण पड़े थे, तो इस स्थान का अलग ही महत्व है।